नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग ने 165 शिक्षकों के वेतन काटने का दिया आदेश। जगदा बाबू से नाराज तेज प्रताप यादव ने कर दी बड़ी घोषणा। पटना के कई घाटों में गंगा का पानी कमा। अब पंचायत चुनाव के बाद ही होंगे विधानमंडल के उपचुनाव। बिहार के 28 जिलों में नहीं मिले एक भी नए कोरोना संक्रमित मरीज। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय मंत्रालय का मिलेगा सहयोग। सूबे बिहार में ऊर्जा शक्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का भरोसा मिला है। बीते दिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व बीजेपी के वरीय नेता आरके सिंह ने ये बातें कही है। दरअसल वे राज्य में भाजपा द्वारा शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बिहार पहुंचे थे। इस बाबत ऊर्जा मंत्री ने प्रेस से मुखातिब होकर कहा कि बिहार में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जितने रुपए की जरूरत होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में इस मद के लिए 22,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब 22 घंटे और शहरों में 23 घंटे बिजली उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में पावर सब स्टेशन की जरूरत होने पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के 12 जिलों में आज भारी बारिश होने की है संभावना। सूबे में मानसून सक्रिय बना हुआ है। बीते दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं आज भी मानसूनी प्रभाव से 12 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आज 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहने के साथ ही बारिश का अनुमान है। राज्य के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पटना, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया आदि जिलों के एक या फिर दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के 28 जिलों में नहीं मिले एक भी नए कोरोना संक्रमित मरीज। राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़े में एक बार फिर से साफ हो चला है कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर बिहार में थम चुका है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों में राज्य के 38 जिलों में से 28 जिलों में एक भी नए संक्रमित की पहचान नहीं हो सकी है। रिपोर्ट में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस दौरान पटना और समस्तीपुर से दो दो जबकि कटिहार से तीन मरीज मिले हैं, जबकि भोजपुर, दरभंगा, गया, नवादा, सहरसा, सीतामढ़ी और वैशाली से एक एक पॉजिटिव मिले हैं। इस दौरान 32 लोग रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य भर में एक्टिव केस अब घटकर 178 रह गए हैं। पटना के कई घाटों में गंगा का पानी कमा। गंगा किनारे बसे राजधानी पटना में अब गंगा का रौद्र रूप थोड़ा शांत हो चला है। साथ ही अन्य जिलों में भी गंगा का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में दीघा घाट का लेवल 52 सेंटीमीटर कम हुआ, जबकि गांधी घाट में जल के स्तर में 48 सेंटीमीटर की कमी आई है। इस कमी के साथ ही शहरी इलाकों में पानी घुसने का खतरा टला है। हालांकि अब भी गांधी घाट पर गंगा नदी का स्तर खतरे के निशान के पार ही बह रहा है, जो कि 54 सेंटीमीटर ऊपर है। हथीदह में भी जल का स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालांकि थोड़ी कमी यहां भी दर्ज हुई है। 24 घंटे में यहां 33 सेंटीमीटर पानी कमा है। इसके साथ ही साथ पटना में सोन और पुनपुन नदियों का भी उफान शांत हुआ है। शिक्षा विभाग ने 165 शिक्षकों के वेतन काटने का दिया आदेश। स्कूल खुलने के बाद से ही बिहार सरकार एक्शन मोड में आ गई है और लापरवाह शिक्षकों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच सभी जिलों में स्थित सरकारी स्कूलों में उपस्थित नहीं रहे 165 शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला लिया है। विभाग ने यह एक्शन नो वर्क नो पे के तर्ज पर किया है, जिससे अब अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक संभल जाएंगे। सबसे ज्यादा रोहतास जिले में 67 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई, जबकि मुंगेर में 16, लखीसराय में 10, शिवहर और औरंगाबाद में 11-11 और पटना में 6 शिक्षक और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा होने के बाद से वहां के हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। भारत से भी कई लोग अफगानिस्तान में रोजगार व कई कारणों से बसे हुए थे, जो कि अब वापस अपने देश को वापस लौटना चाहते हैं। इस क्रम में केंद्र सरकार भी हर संभव प्रयास करते हुए अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की बात कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा अफगानिस्तान स्पेशल सेल के गठन के बाद अब विदेश मंत्रालय ने नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। विदेश मंत्री अरिंदम बागची ने ट्वीट में कई फोन नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी को साझा किया है, जिस पर मदद के लिए भारतीय नागरिक वहां संपर्क साध सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस प्रकार है। फोन नंबर +91 11 49 01 6783, +91 11 49 01 6784, +91 11 49 01 6785 है। तो वही व्हाट्सएप नंबर +91 80 10 611 290, +91 95 99 32 11 99 और +91 70 42 04 99 44 है। और ईमेल आईडी situationroom@mea.gov.in पर आप मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं।
पटना में बालू माफियाओं के हमले की शिकार हुई पुलिस। राजधानी पटना में अवैध बालू खनन में जुड़े लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी है। बावजूद इसके उनके हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं रहा है। ताजा मामला आज सुबह का ही है, जब गुप्त सूचना मिलने पर रानी तालाब थाना की पुलिस जानकारी पर ट्रैक्टर से बालू लोड कर जा रहे बालू माफिया को घेरने के लिए पहुंची, मगर पुलिस टीम को देखते ही बालू माफियाओं ने ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस जिप्सी और टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस कर्मी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। इस घटना में थाना प्रभारी समेत दर्जन भर कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं उच्च अधिकारियों की टीम बरेर टोला गांव में छापेमारी के लिए पहुंची है। राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति की हुई नियुक्ति। बिहार के विश्वविद्यालयों में खाली पड़े कुलपति और प्रति कुलपतियों के पद पर बीते दिन नियुक्ति कर दी गई है। इसके तहत राज्यपाल फागू चौहान ने प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है। इनमें मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्यामा राय को बनाया गया है, जबकि नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रसिद्ध मैथमेटिशियन केसी सिन्हा को बनाया गया है। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति मोहम्मद कुद्दूस को और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामनाथ यादव को बनाया गया है। तो वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में नए प्रति कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। ये सभी अपने पद पर अगले 3 सालों तक बने रहेंगे। अब पंचायत चुनाव के बाद ही होंगे विधानमंडल के उपचुनाव। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों में आम चुनाव के साथ ही विधानसभा की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव अब 4 महीने के बाद ही हो सकेंगे, क्योंकि दिसंबर तक राज्य में पंचायत चुनाव का शोर रहने वाला है, जिसके खत्म होने के बाद ही दिसंबर के बाद उपचुनाव होंगे। बताते चले कि विधान परिषद की स्थानीय निकाय के माध्यम से चुनी जाने वाली 24 सीटें जुलाई महीने से ही खाली है। यह पंचायत प्रतिनिधियों के चुने जाने के बाद ही भर पाएगा, जबकि तारापुर विधानसभा और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में विधायक की सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव कराए जाने हैं। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का विस्तार पटना तक करने की उठी मांग। रेलवे द्वारा दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को अब पटना तक विस्तार करने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया है। साथ ही बिहार से सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को पत्र लिखकर प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का विस्तार पटना तक करने की मांग उठाने की बात कही है। चैंबर का कहना है कि जनसंख्या और धार्मिक महत्व के कारण यह विस्तार बिहार में होना जरूरी है। शहाबुद्दीन के करीबी राजद विधायक ने भाजपा के मंगल पांडे से की मुलाकात। राजद में घमासान के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी उथल पुथल बढ़ गई है। अमूमन एक दूसरे को नापसंद करने वाले आरजेडी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की है। दरअसल बीते दिन शहाबुद्दीन के करीबी नेता और सिवान के रघुनाथपुर से राजद विधायक हरिशंकर यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में आरजेडी विधायक ने कहा है कि वे रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल के नए निर्माण के बारे में शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे। हालांकि राजनीतिक गलियारे में बीजेपी इसे आरजेडी में टूट होने की संभावना बता रही है, क्योंकि दोनों ही नेताओं का संबंध सिवान से है। जगदानंद सिंह की वापसी के बाद जदयू ने उठाए सवाल। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा जलील होने के बाद जगदानंद सिंह तेजस्वी के मनाने और आकाश यादव को छात्र राजद अध्यक्ष के पद से छुट्टी करने के बाद वापस प्रदेश कार्यालय लौट आए हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव की बयानबाजी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। राजद के आंतरिक कलह पर सत्ताधारी पार्टी के नेता मजे ले रहे हैं। इस बीच जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कई तल्ख सवाल जगदा बाबू पर खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जगदा बाबू ने समाज और बिरादरी की मर्यादा तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के कदमों में रख दी है। आखिर कब तक वे इस तरह से बेइज्जती कराते रहेंगे। बताते चले कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कभी लालू यादव के नवरत्न में शुमार थे। जगदा बाबू से नाराज तेज प्रताप यादव ने कर दी बड़ी घोषणा। राजद के आंतरिक कलह का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। तेज प्रताप यादव के चहेते आकाश यादव को छात्र विंग के अध्यक्ष पद से हटा देने के बाद वे जगदानंद सिंह पर और भी ज्यादा भड़क गए हैं, और गुरुवार की शाम को बतौर प्रेस के सामने आकर वे खुले तौर पर उनके खिलाफ बोलते नजर आए। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने मीडिया के सामने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। तेज प्रताप यादव ने कार्रवाई नहीं होने तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब आरजेडी का आंतरिक मामला और भी उलझ गया है।
28 और 29 अगस्त को होगी जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक। पटना में हफ्ते भर बाद जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने की घोषणा की गई है। यह बैठक दो दिनों तक 28 और 29 अगस्त को चलेगी, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के अलावे पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में जदयू अपने सहयोगी दल बीजेपी के साथ कई मुद्दों पर विवाद पर चर्चा करेंगे। साथ ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर को कोहली के खिलाफ ट्वीट करना पड़ा भारी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने कूल अंदाज के साथ ही अग्रेसिव क्रिकेटर के तौर पर भी जाने जाते हैं। इसे लेकर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर निक कॉम्पटन को एक ट्वीट करना महंगा पड़ गया। निक ने ट्वीट में कोहली को बदतमीज शख्स बताते हुए लिखा कि वे 2012 में कोहली से मिली गालियों की बौछार को कभी नहीं भूलेंगे, उस वक्त वे हैरान रह गए थे। वहीं निक ने जो रूट, सचिन तेंदुलकर और केन विलियमसन को शांत स्वभाव का बताया। हालांकि इस ट्वीट के बाद कोहली के फैंस ने 9 साल पुराने बात को याद करने को लेकर जमकर निक कॉम्पटन को ट्रॉल किया, जिसके बाद आखिर में उन्हें यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती करने के फैसले से आप खुश हैं या फिर नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।